हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गोपाल बम्बेवाल आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल बम्बेवाल फिटनेस विद आयुर्वेदा के नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम अपने चैनल पे फिटनेस और आयुर्वेदा से रिलेटेड टॉपिक लेके आते हैं, उन पे बात करते हैं, अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लेके आए हैं जो लोग दाद खाज खुजली से परेशान हैं, जिनको दाद की काफ़ी समस्या है, काफ़ी लंबे टाइम से वो परेशान है और उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए एक सन्यासी नुस्खा लेके आया हूँ। हमें वो नुस्खा कैसे मिला और कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाने का तरीका, उसका सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों जिन लोगों को दाद की प्रॉब्लम है, दाद की समस्या से परेशान है, खाज खुजली होती है दाद के कारण और वो अपना इलाज करवा रहे हैं लेकिन उसका कोई भी उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो मैं आज आपके साथ एक सन्यासी नुस्खा शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ये नुस्खा बनाने में बिल्कुल आसान है, हम बनाने का तरीका आपको बताएंगे, क्या आपको कौन से इन्ग्रीडियंट चाहिए, क्या सामग्री चाहिए और कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों बनाने से पहले, जो मैं बनाते हुए आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो लोग दाद की समस्या से परेशान हैं और वो इस नुस्खे को यूज़ करना चाहते हैं तो उनको जो सावधानियां बरतनी है वो सबसे पहले ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहले तो ये है कि जब आप दवाई को बनाएं तो कोई ऐसा बर्तन ले जो कि वेस्टेज के तौर पर हो और उसमें कहीं से लीकेज ना हो, क्योंकि जो उसमें सामग्री डलती है जब वो आग पे पिंघाली जाती है, आग पे जलाई जाती है बर्तन में डाल के, तो वो आग पकड़ लेती है। तो धीमी आंच का प्रयोग करना है आपको। वैसे मैं वीडियो में आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि कैसे बनाना है, किस तरह से, कैसे क्या प्रोसेस है। एक तो आपको बर्तन ऐसा लेना जो कि आपका वेस्टेज के तौर पर हो लेकिन उसमें लीकेज ना हो, आप चाहे लोहे स्टील का कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और धीमी आंच का प्रयोग करके आपको दवाई बनानी है। और दोस्तों जब आपकी दवाई तैयार हो जाएगी तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 10 से 15 दिन के अंदर ये दाद की समस्या को ख़त्म कर देता है, और जब कभी भी हो आप उसको लंबे टाइम तक वो रहेगी दवाई आपके पास जो आप बनाएंगे, तो जब भी आपको समस्या हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको साबुन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है नहाते वक्त, यानी कि आप रात को लगा लीजिए जहाँ आपको दाद है, हल्के हाथ से वहाँ पे मालिश कर लीजिए या रगड़ लीजिए उस दवाई को, एक तरह से लेप बन जाता है उसका और वो आपको लगा के और वो सूख जाएगा साथ के साथ में, और आप जो है ढीला अंगवस्त्र जो पहनकर आप सो सकते हो। सुबह उठकर आप नहाना है आपको, नहा लीजिए, लेकिन आपको साबुन नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। साबुन लगाओगे तो उसका नुकसान होगा, रेड रैशेस हो जाएंगे और जो है फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली थोड़ी सी बात है इसकी। और मेरे फैमिली में जो यूज़ करते हैं, मेरे पिताजी जो है उनको दाद की समस्या थी, तो एक जो सन्यासी थे उनको सेवा भाव से जो है खाना हमने खिलाया था, तो उन पिताजी को ये प्रॉब्लम थी दाद की, तो उन्होंने उन सन्यासी जी से जो है अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया, तो उन्होंने ये एक नुस्खा बताया जो कि उन्होंने कहा कि अगर आपको फ़ायदा मिले तो आप किसी दूसरे को ज़रूर बताइएगा और इसके कोई भी पैसे ना लीजिएगा। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इस नुस्खे को यूज़ करें, इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप और लोगों की भलाई के लिए इस नुस्खे को फ्री में शेयर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें, और आप आसपास जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या आप कहीं देखते हैं कि किसी को ये समस्या है तो आप ये नुस्खा उन्हें इस तरह से बता सकते हैं और उसका कोई चार्ज ना ले, क्योंकि दोस्तों जिस भाव से ये नुस्खा मिला हुआ है उसी भाव को बरकरार रखते हुए हमें इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। आम लोगों की भलाई के लिए मैं और मेरा परिवार इस नुस्खे को जो है आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम अपने यहाँ आसपास भी कोई पूछता है तो हम ज़रूर उसको देते हैं, और सामग्री कोई ला के देता है तो हम बना के दे भी देते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें प्रॉपर तरीका बताऊंगा कैसे आपको बनाना है ताकि आपको कोई समस्या ना आए और आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की, कौन कौन सी सामग्री चाहिए इसमें। ये तीन आइटम आप देख रहे हैं, ये तीन आइटम आपको ख़रीदने होंगे, पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। ये आपका है गंधक, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये वैसे तो हम वज़न है लेकिन ये
वजन में भारी होता है इसलिए कम दिखाई दे रहा है। ये है गंधक और ये है सुहागा। ये जो वाइट कलर का है ये है सुहागा और ये है तीसरा आइटम गंदा बरोजा। ये दो दो तोले लिया हुआ है हमने और अब हम इससे जो है दवाई बना के दिखाएंगे आपको कैसे बनानी है और कैसे यूज़ करनी है वो भी बताएंगे। तो जिनको दाद खाद खुजली की बीमारी है उनके लिए बहुत ही अच्छा एक सन्यासी टोटका है ये। तो ये आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, दोबारा बता देता हूँ, ये गंधक है, ये सुहागा है, ये गंदा बरोजा है। तो अभी आपको बताते हैं कि कैसे तैयार करना है इसको। तो इनको दोस्तों हमें कूटना है, इस सुहागा और गंधक को कूटना है आपको, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है पड़ेगा इसका। आसानी से पिस जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी चीज़ से आप इसको कूट सकते हो, गंधक और सुहागा, सिर्फ इन दो चीज़ों का पाउडर करना है आपको। इन दोनों को साथ में मिला लें और फिर और कूटे ताकि एक दूसरे में मिल जाएंगे ये। दोस्तों एक गंदा भी रोजा को रखा भी हमने आग पे, मंदी आंच में ध्यान रखना आपको, बिल्कुल मंदी आंच पे होना चाहिए, आग पकड़ लेता है। और ये ऐसे जब हम इसे अग्नि पे रखेंगे, आग पे रखेंगे बर्तन में डाल के, बर्तन आप गंदा सा कोई भी हो एक्स्ट्रा वो आप ले लेना और ये पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये गर्मी पकड़ता है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है ज़्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर होने पे, और ठंडा होने पे वैसा ही बिल्कुल सख्त हो जाता है। अब ये जो हमने गंधक और सुहागा का जो बनाया था हमने पाउडर, ये बिल्कुल दोनों को ऐड कर लिया है, मिश्रण संभाग था जो, ये दोनों चीज़ें हमने मिला ली है और अब ये भी इसमें डाल देंगे। जो गंदा बिरोजा पिघल रहा था, जो पिघला हुआ है वो इनको बांधने का काम करेगा तीनों चीज़ों को। इन तीनों चीज़ों को हमें आपस में मिलाना है और सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली बात ये होती है, बनाते वक्त आपको सावधानी से काम लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो है बिल्कुल आग को पकड़ लेता है एकदम से, थोड़ी सी भी आग इसके टच में आएगी तो ये आग पकड़ लेगा और ज़्यादा तेज़ आग जो है आपको आंच नहीं रखनी है, मंदी आंच पे धीमी आंच पे इसको करना है तैयार और बिल्कुल सावधानी के साथ में करना है क्योंकि केमिकल तो होता ही है ये। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप इन चीज़ों को बना रहे हों तो छोटे बच्चे आसपास ना हो, ये एक तरह के जहर का काम करते हैं जो खाने के काम पे नहीं लेना इसको बिल्कुल भी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये देखो अब ये दवाई बनने के कगार पे है बिल्कुल, ये इस तरह से एक गाट सी बन जाएगी, ये थोड़ा ही बाहर रखेंगे ना इसको बिना
ठंडा जैसे ही होएगा तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। ये देखिए अब थोड़ी सी भी आंच इसमें आती है तो ये आंच पकड़ लेता है, और इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना, सावधानी से बनानी है ये दवाई। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये देखिए अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब दोस्तों इसको हम बाहर रख लेंगे इस तरह से निकाल के, ये इस तरह से हमने इसकी एक गेंद सी बना लेनी है ताकि आप इसको लंबे टाइम तक रख सको अपने पास और जब ज़रूरत हो तब इसको यूज़ कर सको। ये देखिए ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी अभी, ये इसमें से हमने ली है और ये इस तरह से बनानी है इसको। फाइनली आपको इस तरह की दवाई मिल जाएगी, ये देखिए बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। अब कैसे इसको इस्तेमाल करने लायक करना है वो हम बताएंगे। ये आपको थोड़ा सा पानी डाल के और उस पर इसको घिसना पड़ेगा, हल्के से पानी में इसको घिसिए तो इसका जो वो जो दवाई लगानी होती है एक मलहम टाइप में वो इसका तैयार हो जाएगा, और यही दवाई होती है जो यूज़ करनी है आपको। अब ये देखिए दोस्तों ये अब तैयार हो गई है दवाई जो है, ये घिसा पानी में। अब इसको सपोज कीजिए आपको कहीं पे हाथ पे दाद है तो इसको लगाना कैसा है वो आप वो दिखाते हैं। जैसे यहाँ है दाद, जैसे यहाँ पे दाद है तो इसको इस तरह से उसके आगे पीछे ये लगा लेना चारों तरफ और उसके ऊपर हल्के हाथ से रगड़ के लगा लीजिए इसको ऐसे। जहाँ दाद मेन बात है, जहाँ पे आपको समस्या है वहाँ पे इसको लगा लीजिए, ये सूख जाएगा साथ की साथ में, और इस तरह से आपको इसको रख छोड़ना है। दोस्तों अब ध्यान रखने वाली ये बात है, जो ये हमने दवाई बनाई थी जिसका हमने तरीका बताया आपको, और ये इस तरह से पानी डाल के इसको घिस के ये दवाई तैयार करनी है, और जैसे यहाँ पे आपको कोई सपोज कीजिए कहीं पे भी हिस्से में दाद वगैरह है तो इसको पानी हाथ से जो हमने घिसा था इसको लगा के और उस पर रगड़ लीजिए, उसको अच्छे तरीके से लगा लीजिए। तो इस तरह से दवाई लगानी है। आप कोशिश कीजिए कि अगर रात को सोते वक्त इसको लगा लीजिए, सुबह आप नहा सकते हो। ध्यान में ये रखना आपको जब तक ये लगाओगे आपको साबुन का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। एक से दो हफ्ते के अंदर आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। एक ये सन्यासी टोटका है, आपको दूसरों के साथ में फ्री में शेयर करना है, ना कि इस पर कोई पैसे लेने हैं। आपको अगर अच्छा लगे, आपको अगर फ़ायदा मिले तो आप औरों के साथ में इसको शेयर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ और आप इसका फ़ायदा उठाएँ और औरों को भी इसका फ़ायदा उठाने दें। तो दाद खाज खुजली का ये बिल्कुल एक सन्यासी टोटका है और बिल्कुल असरदार है, जो कि हम सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने बनाई है दाद खाज खुजली की दवा, जो कि एक सन्यासी नुस्खा है और बहुत ही अच्छे इसके परिणाम मिलते हैं। सावधानी आपको ये रखनी है कि जब आप इसको बनाएं तो आप एक जो भी बर्तन ले जिसमें भी डाल के इसको बनाएं तो वो आपका वेस्टेज के तौर पे हो, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है एक तरह से। और दोस्तों जब आप इन दवाइयों को पीसें तो बच्चा कोई आसपास ना हो, क्योंकि एक जहर के तौर पे भी काम करता है, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ इस दवा को बनाना होता है। और दोस्तों जब आप दवाई लगाते हैं अपने दाद, जैसे आपको दाद हैं जहाँ पे कहीं पे भी है पूरे शरीर में, तो आप हल्के हाथ से इसका एक लेप सा बन जाता है जो कि मैंने वीडियो में भी दिखाया है, तो वो आप हल्के हाथ से लगा लीजिए और रात को लगा के सो जाइए। सुबह आपको नहा लीजिए नॉर्मल, लेकिन साबुन नहीं लगाना है आपको, साबुन से नहीं लगाना है। आप वैसे दवाई को लगाते वक्त अच्छे से रगड़ सकते हो दांत पे हल्के हल्के हाथ से, लेकिन नहाते वक्त आपको साबुन नहीं लगाना है। 10 से 15 दिन का इसका परहेज होता है। खाने पीने का दोस्तों जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें होती हैं, खटाई वगैरह होती है, तो ये तो परहेज होता ही है। और साथ में आप ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए नीम से बनी कोई भी दवाई ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी बाहर से कोई भी आपका प्रोडक्ट है जो कि खून को साफ करता है, तो वो आप इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं ताकि इसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिल सके। और दोस्तों वही एक रिक्वेस्ट आप सभी से, आप इस नुस्खे को यूज़ कीजिए। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप इस नुस्खे को सेवा भाव से और लोगों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और ख़ुद भी शेयर करें, और फ्री में इसको बताएं, दूसरों के साथ साझा करें ताकि वो भी इस सन्यासी नुस्खे का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी हैप्पी।